चंपारण है, ये जिला चंपारण का प्रोड्यूसर है और इतना ज़्यादा आज खुश है, नर्वस हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी जिला चंपारण के बारे में कुछ बताने वाले हमको बोल रहे थे, क्या सर जिला चंपारण किस तरह की फिल्म है? जिला चंपारण अपने बहुत अच्छी एक फिल्म है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, लोकेशन वाइज शूटिंग है, इसमें सब नया नया लोकेशन है, ये छापा नहीं गया, एकदम ओरिजिनल फिल्म बनी है, अब दर्शक के ऊपर छोड़ रहे हैं हम लोग, उसके दर्शक क्या लेगी नहीं लेगी ये सब दर्शक के ऊपर है। लालू जी इतना खेसारी को आप क्यों लिए इसमें हीरो? खेसारी जी का बहुत सहयोग है, बहुत हम लोग से कॉपरेट किए खेसारी जी, हाँ जिस तरह से हम लोग बोले उस तरह से काम किए हैं, बोल के फिल्म और अच्छी हुई है, इसीलिए खेसारी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और कौन क्या कहना चाहोगे? मैं तो आज लाल बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो फिल्म डायरेक्टर है, इतना कमाल की फिल्म बनाया कि जितनी तारीफ की जाए कम है। जिला चंपारण का आज मुंबई में बहुत धूमधाम से लॉन्चिंग किया, आप लोग देख ही रहे हैं, सब गामा गामी हमारे रवि किशन जी भी उपस्थित थे, अभी लगभग इंडस्ट्री के सारे लोग यहाँ उपस्थित थे खेसारी जी को बधाई देने के लिए, और सबसे ज़्यादा बधाई हमारे प्रोड्यूसर सुरेंद्र जी को कि इन्होंने इतना अच्छा फिल्म बनाया। इस फिल्म की पूरी शूटिंग कोलकाता में की गई है और एडिटिंग पूरी कोलकाता में हो गई है। ये 4 अगस्त को फिल्म बिहार में रिलीज हो रहा है, अब आप लोगों को देखना है किस तरह की फिल्म है, बताइए। ट्रेलर जब चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पेशाब लगी थी लेकिन फिल्म गए नहीं, पेशाब रोक के बैठे। देखिए कभी कभी फिल्में ऐसे बन जाती है कि कुछ आगे क्या होने वाला है उसके चलते लोग पेशाब छोड़ बाद में जाते हैं, जब तक सीन नहीं देख लेते, वही हाल आज ट्रेलर लॉन्च में हुआ है। कितनी खुशी होती है सर? हमें तो बहुत खुशी हुई है, वो देखिए क्या होता है आगे, रवि जी आए, लाल बाबू जी के क्या कहना चाहेंगे? लाल बाबू जी के डायरेक्टर साहब का तो फिल्म में बहुत योगदान है, एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, जिन्हें लोगों ने भी ट्रेलर टाइम बहुत सराहा है। हाँ रवि जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा जो हम लोग बुलाने पर रवि जी आए, हाँ उनको लाख लाख धन्यवाद है, खेसारी जी को और सभी को, हाँ सभी चैनलों को मैं धीरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस प्रमोशन को और अच्छे से किया।